हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp के नोटिफिकेशन को कैसे चालू करेंगे, WhatsApp के नोटिफिकेशन को कैसे ऑन करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको WhatsApp को ओपन करना है, और जब आप WhatsApp को ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको दिखाई देगा थ्री डॉट। थ्री डॉट में जाएंगे और थ्री डॉट में जाने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देगा सेटिंग्स की ऑप्शन। तो सेटिंग्स पे जाएंगे और सेटिंग्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि नोटिफिकेशन यहाँ से इस तरीके से बंद होगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से नोटिफिकेशन को चालू करेंगे। और आप चाहते हैं कि आप किसी से बात से भी चैट भी कर रहे हैं और उसमें एक टोन आए, तो यहाँ से आप टोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको टोन चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये तो हुई पहली तरीका, और दूसरी तरीका भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जाना है अपने सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना है यहाँ पे ऐप्स में। और ऐप्स में जब जाएंगे तो ऐप्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है व्हाट्सअप कहाँ है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है व्हाट्सअप, यहाँ पे फाइंड कर लेना है कि व्हाट्सअप कहाँ है। तो इस तरीके से आपको देखना है व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, यहाँ पे है व्हाट्सअप। तो जैसे आप व्हाट्सअप पे जाते हैं तो व्हाट्सअप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे इस तरीके से अगर आपका बंद होगा तो इसको यहाँ से इस तरीके से ऑन कर देंगे, तो व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन को भी आप चालू कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो चालू करने का यही तरीका है। तो अगर यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।